इस हादसे को लेकर छात्रों में गुस्सा और आक्रोश है। लगातार छात्रों की तरफ से इंस्टीट्यूट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है और उसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां की हैं। आप देख सकते हैं जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी है, इंस्टीट्यूट के पास ही इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। करीब एक कंपनी RAF के जवानों की लगाई गई है और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है और जो बाकी बल है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। जो इंस्टीट्यूट के जाने के रास्ते हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगाकर सड़क को बंद किया गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छे से जानता है कि जो छात्र हैं उनमें गुस्सा और नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। फिलहाल अब जो टीमें हैं वो जांच में जुटी है कि आखिरकार ये पूरा हादसा किस तरीके से हुआ, जो पानी था वो बेसमेंट के अंदर कैसे घुस गया, क्योंकि अगर ये जो रास्ता है या ये सड़क है अगर ये बिल्कुल ढलान पर यहाँ पर भी आ जाती है तो भी सवाल ये खड़ा होता है कि आसपास यहाँ पे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बेसमेंट में पानी क्यों नहीं भरा। इसका मतलब इस बात की भी संभावनाएं हैं कि जो अंदर से ये बैक फ्लो हुआ है और जो पानी सिर्फ पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जाकर भर गया। और अभी आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है और जो फॉरेंसिक की टीम है वो सब मौके पर है, मौके का मुआयना कर रहे हैं, पड़ताल की जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी तैयारियां कर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की है। वरुण जैन, ABP न्यूज, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।